नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, बैंक निफ्टी और निफ्टी के सिंपल प्राइस एक्शन एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के पास से मुझे काफ़ी सारे अप्रिसिएशन मिला, काफ़ी सारे मैसेज आए कि सर आपने पूरे यूट्यूब में से एकदम सिंपल तरीके से आप समझा रहे हो। देखो मेरी यही कोशिश है कि आपको मैं चार्ट ट्रेडिंग करना सिखाऊँ, हमको रैंडम ट्रेड नहीं लेने। मैंने हर बार बोला हुआ है कि कोई भी एनालिसिस को रैंडम तरीके से फॉलो मत करो, आपके पास स्पेसिफिक बैंक निफ्टी और निफ्टी की दोनों की सही स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। ऐसे खाली खोटा कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, ऐसा कर लो वैसा मत करना। हम लोग यहाँ पे चार्ट रीडिंग सीख रहे हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का मैंने 1 आवर का यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया है। देखो किस तरह का चार्ट बना है, ब्यूटीफुल यहाँ पे चीज देखो कि इस तरीके का एक फ्लैग पैटर्न हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो पैटर्न्स याद नहीं रखना है कि ये इन्वर्टेड फ्लैग है कि डिसेंडिंग फ्लैग है कि असेंडिंग फ्लैग है, ये सब बहुत ही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। मुझे इसमें से 1 आवर के चार्ट में क्या नजर आ रहा है कि धीरे धीरे दिन पर दिन इसका हाई कम होता जा रहा है, यस और नो, ये एक पहला ऑब्जर्वेशन। पर नीचे मल्टीपल सपोर्ट मिल रहे हैं, तो मल्टीपल सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, 35,600 से लेके 35,700 की रेंज में उसको मल्टीपल सपोर्ट मिल रहा है। मतलब ये कॉन्सोलिडेट हो रहा है, पर उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखो कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पांच, छह बार, एक एक घंटे की कैंडल में उसने 35,600 से लेके 35,700 की रेंज में सपोर्ट बनाया। मतलब ये इतना जल्दी नहीं टूटेगा। तो जब जब ये 35,600 से लेके 35,700 की लाइन में आता है तब मैं कॉल बाई कर सकता हूँ, ये तो फ्यूचर में जाके भी एक लॉट बाई कर सकता हूँ। पर अभी भी ऊपर की रेंज उसकी वीक हो रही है, ये ऊपर की रेंज अच्छी तरह से बना नहीं पा रहा है। कब ये ऊपर की रेंज बनेगी, सबसे पहला तो उसको ये यहाँ पे देखो, ये दो कैंडल को देखो, 36,000 के ऊपर उसको क्लोज देना पड़ेगा ऊपर की रेंज के लिए, 36,000 के लिए। और 36,000 के बाद में जो उसने हाई मारा था 36,200, उसके ऊपर क्लोज रेंज उसके ऊपर चली जाए तो एक्सट्रीम एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं और वो एक नया हाई के ऊपर वो जाने की तैयारी करेगा। अगर यहाँ पे जो मल्टीपल सपोर्ट क्रिएट हुए हैं 35,600 के आसपास वो होल्ड नहीं कर पाया, वो तोड़ा, तो सीधा पुट बाय करके 35,300 का लेवल के लिए आप पुट शॉर्ट कर सकते हो या तो बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट कर सकते हो। ये एक मेजर है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे गए तो हम सीधा 34,600 की लाइन में आ जाएंगे और जो उसने बहुत बड़ा हाई मारा था वो चला जाएगा। तो मैं नहीं मानता ऐसा होने वाला है, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं ये इसी रेंज में अभी फंसा रहेगा, ठीक है। तो ये होगी बैंक निफ्टी के बाद। उसी तरह से बैंक निफ्टी का 15 मिनट का भी चार्ट देख लेते हैं, सेम ही अपने को ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि धीरे धीरे ये जो ऊपर गया था तो धीरे धीरे अभी थोड़ा हाई उसका कम हो रहा है, पर फिर भी अभी सिस्टमेटिक वीकनेस नहीं आई है। 35,600 और 35,700 पे एक बहुत बड़ी चैनल बनाई है उसने, वहां पे उसको सपोर्ट मिलेगा, ये भी हमको 15 मिनट में जानने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं, निफ्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो निफ्टी में सबसे पहले देखो एक घंटे की कैंडल पे आ जाते हैं, तो निफ्टी की कैंडल पे क्या हो रहा है, थोड़ा फ्लैग जैसी पैटर्न नहीं बन रही है, पर जो एग्रेसिवली यहाँ पे ऊपर आया है तो यहाँ पे अभी कंसोलिडेट करने की ट्राई कर रहा है। निफ्टी में भी क्या हो रहा है कि उसने हाई कितना मारा था, तो कि 16,350 का, तो 16,350 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करे तो फिर से एग्रेसिव बाइंग मत करने लगना। दूसरे नीचे यहाँ पे भी एक घंटे की कैंडल में देखो मल्टीपल सपोर्ट कितने हैं, 16,200, 16,217, 16,290, तो 16,270 का जो लेवल है 16,270 वो इसके लिए एक मेजर सपोर्ट कर रहा है। आई होप कि ये लेवल नहीं तोड़ेगा, ये लेवल पे अगर वो टिक जाता है तो फिर से आप कॉल बाय कर सकते हो या तो फ्यूचर का एक लॉट बाय कर सकते हो। अगर ये लेवल उसने जाने दिया तो सीधा हम कौन सा लेवल देख सकते हैं, सीधा वो नीचे आके 16,100, फिर 16,100 के नीचे 15,900, ये सब लेवल, और 15,800, ये सब लेवल आने की तैयारी हम रख सकते हैं। अगर 16,200 वाला लेवल उसने 16,200 वाला लेवल अगर उसने नीचे की तरफ क्रॉस कर लिया तो हम सीधा ये रेंज में फिर से आके फंस पड़ेंगे, बट आई होप कि ऐसा नहीं होगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जब तक वो 16,200-250 को होल्ड कर सकता है अच्छी बात है, मैं उसको सपोर्ट मान के वहाँ से ऊपर की स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ, और ऊपर के लिए तो उसको 16,350 का लेवल उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा तभी हम एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं, तब तक थोड़ा कॉशियस रहना ज़रूरी है। वही चीज़ हम टेली कर लेते हैं कि भैया निफ्टी का जो चार्ट है उसको 15 मिनट में भी हम देख लेते हैं ताकि और अच्छी तरह से पता चल जाए। देखो 15 मिनट में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे उसने जो एग्रेसिवली हाई मारा था तो फिर से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक थोड़ा हेड एंड शोल्डर जैसा बन रहा है, पर उसको अभी कंफर्म नहीं कर सकते। पर एट द एंड ऑफ द डे
ये जो पूरी चैनल है 16,200 वाली, उसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पे एक चैनल बना रहा है, सपोर्ट जोन बना रहा है, तो बस वो तुपनी नहीं चाहिए 16,200, 16,250, 16,217 वाली, उसको कायम रखना है वहाँ। वो कायम नहीं रहेगा तो फिर से नीचे की तरफ हम लुढ़क उठेंगे, ठीक है। तो जब लुढ़कने की बारी आए तो वहाँ पे पुट बाय करो या तो शॉर्ट कर लो, फ्यूचर में जाके चल जाएगा, और ऊपर की तरफ उसको 16,350 के ऊपर तो जाना ही है अगर एग्रेसिवली उसको प्रेशर दिखाना है तो। ठीक है दोस्तों, यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। ईमेल या व्हाट्सअप मुझे कर देना, और पैसा तो बनेगा कि ऐप डाउनलोड कर लो या तो वेबसाइट में चले जाओ। 1-1.5 लाख रुपए के कोर्सेज फ्री डाले हुए हैं, और बैंक निफ्टी, निफ्टी की भी इंट्राडे स्ट्रेटेजीज मैंने डाली हुई है, ऑप्शंस की वगैरह पोजीशन सब डाला हुआ है। कोई भी क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट। और इस तरह से ही हम सिंपल सिंपल तरीके से चार्ट की ब्यूटी को देखते रहेंगे और समझने की ट्राई करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरे दिन, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।